हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सभी हिंदी भाषा और साहित्य ख सब्जेक्ट से जो आपकी यूनिट 4 है और इसमें जो आपकी पहली कविता है बालिका का परिचय और सुभद्रा कुमारी चौहान जी का साहित्यिक और जीवन परिचय हम देखने वाले हैं और हिंदी बी जी आपका सब्जेक्ट है बीए प्रोग्राम से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लें और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप एकलव्य स्नातक वन जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है आप इसको ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ये जो कवित्री हैं इनका परिचय देख लेते हैं। तो सुभद्रा कुमारी जी का जन्म जो है वो प्रयाग जिले के निहालपुर गाँव में हुआ था और जाति से ये क्षत्राणी थी। आपको पता है कि भाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार तरीके के वर्ण चलते हैं इंडिया में, तो ये क्षत्रिय में आती थी, क्षत्राणी थी। और इनके पिता जो है वो ठाकुर रामनाथ सिंह जी थे और इन्होंने प्रयाग से ही अपनी जो है प्रारंभिक और उच्च शिक्षा यानी कि प्राइमरी और हायर एजुकेशन वहीं से इन्होंने करी। और वैसे तो ये अधिक शिक्षा प्राप्त ना कर सकी क्योंकि इनकी जो स्टार्टिंग से ही रुचि थी वो देश सेवा में थी, देश के लिए कुछ करना, देश के लिए बलिदान देना, स्वतंत्रता के लिए कुछ काम करना, ठीक है। और ये बहुत इनमें एक्टिव रहती थी। तो 15 वर्ष की अवस्था में सन 1919 में इनका विवाह खंडवा नाम से एक जगह है वहां पर रहने वाले किसी प्रसिद्ध वकील ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हो गया। बहुत कम एज में शादी हो गई और जिनके उदार व्यापक और बुद्धिमत्ता दृष्टिकोण ने कवित्री को अपने सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों के संपादन में और अधिक सहायता प्रदान करी। यानी कि दोनों में बहुत सही एकदम कोऑर्डिनेशन बैठा और उन्होंने संपादन के लिए भी आगे बहुत सारे काम किए, ठीक है, और भी बहुत सारे सामाजिक राजनीतिक एक्टिविटीज में भी वो एक्टिव रहीं। नारी जागरण के क्षेत्र में यानी कि नारियों को स्त्रियों के लिए आवाज उठाने में ये बहुत आगे रहती थी। बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलनों में भी भाई ये एक्टिव रहती थी और बहुत बारी इनको विदेशी शासकों ने बंदी भी बना लिया, इनको जेल में भी बहुत बारी डाल दिया जाता था। कई बारी ये क्या होता था कि मतलब इनको जेल में जाना पड़ता था और ये बहुत बारी जेल में भी अपनी कविताएं लिखती रहती थी। और इन इनकी जो आइडल थी, जो इनकी आदर्श थी, वो थी जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी, ठीक है। और सन 1947 में देश जब आजाद हुआ था तो ये मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी बनी, ठीक है भाई, एमएलए भी रह चुकी हैं। और 20वीं सदी में राष्ट्रीय कवि तो अनेक हुए पर वीर भाव की कवित्री यानी कि कवि तो बहुत हुए पर जो देश के लिए कुछ लिखने वाली कवित्री जो थी ये अकेली थी। और 44 साल की बहुत ही कम एज में सन 1948 में एक मोटर दुर्घटना में एक्सीडेंट में इनकी जो है डेथ हो गई। तो ये इनके जीवन के बारे में कुछ था। भाषा इनकी जो है मुख्य रूप से शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, बुंदेलखंडी का प्रभाव देखने को मिलता है और ये जो है कहीं कहीं पर जो है तद्भव शब्दों का भी यूज करती हैं, कहीं कहीं मुहावरे और लोकोक्तियों का भी यूज करती हैं और सब कुछ स्पष्ट होता है इनकी कविताओं में। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अस्पष्ट लगे या समझ ना आए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो अब हमारी कविता स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो इसकी लाइनें हैं, यह है मेरी गोदी यहाँ से लेकर हरियाली, तो सुहाग यानी कि सौभाग्य, शाही यानी कि राजसी, कमल यानी कमल भृंग यानी कि कमल की पंखुड़ियों में बंदी भंवर, ये कुछ शब्दार्थ हैं। जब कविता पूरी लिखी होती तो आपको पता चलता। मैं आपको संदर्भ बताता हूँ इसका। तो ये जो आपके सिलेबस में लाइनें हैं ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा एक एक कविता है बहुत बड़ी, मृकुल, वहां से एक बालिका का परिचय नाम से शीर्षक कविता है वहां से ली गई है ये। और इसके अंदर बालिका बेटी के बारे में, एक माँ और बेटी का जो रिश्ता होता है बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। आप यही प्रसंग हर वाक्यांश सॉरी हर काव्यांश में यूज कर सकते हैं। तो व्याख्या इसकी कुछ ऐसे है कि एक माँ की अपनी बालिका यानी कि अपनी बच्ची के प्रति एक ममता, बहुत मतलब आप कह सकते हो बहुत प्यार होता है। और सुभद्रा जी ये बताते हुए कहते हैं कि जो बच्ची होती है, जो बालिका, वो अपनी माता की गोद को अलंकृत करने वाली है। यानी कि माता की गोद जो होती है वो जब ही सुंदर दिखती है जब उसमें बच्ची होती है, ठीक है। यही नहीं, वह उसके सुख और सौभाग्य की भी लालिमा है। अगर बच्ची होती है आपकी गोदी में तो आपको सुख मिलेंगे, आपको सौभाग्य मिलेगा, अर्थात माँ की गोदी जो है उसी में ही सब कुछ मिलता है। तो बच्ची से ही उसकी शोभा है, बच्ची से ही माँ की शान है, मान है, मर्यादा, यानी कि एक माँ की लाइफ में बच्ची बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात माँ का जीवन बालिका को पाकर ही पूरा होता है। एक माँ का जीवन जब ही पूरा होगा जब उसकी एक बच्ची होती है उसकी। तो जननी रूपी भिखारीन के लिए वह शाही शान के समान है, यानी कि एक माँ एक भिखारी की तरह है और एक बच्ची अगर हो गई तो समझ लो वो एक शाही शान है उस माँ की। हर किसी को बच्ची नहीं नसीब होती। तो बालिका की जो है मतलब बालिका माँ की मस्ती से भरी मन की अभिलाषा के सदृश है, यानी कि बालिका और माँ के बीच में मस्ती भी होती है, खेल भी होता है, प्रेम भी होता है, सब होता है। तो बालिका के रूप में उसे पाकर जननी यानी कि जो माता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। यानी कि एक माँ यही चाहती है कि मेरी एक बच्ची हो और उसके लिए तो वह अंधकार में प्रकाश देने वाली ज्योति है, यानी कि अंधेरे में भी रोशनी कर दे बच्ची, ऐसी चीज होती है जो लड़की होती है। तो
तो वह माता के घटाओं के अंधकार से भरे जीवन की उजाली है, यानी कि अगर अंधकार भरा जीवन है तो बच्ची उसमें बिजली का काम करती है। तो ये बच्ची के बारे में सब बता रखा है। एक उषा यानी कि सवेरे के समान, एक शुभ सवेरे के जैसी होती है बच्ची, एक अच्छी गुड मॉर्निंग की तरह एक बच्ची होती है। जब आती है तो भाई बहुत ज्यादा सुख ही सुख लाती है, जिसके आने पर कमल पुट में बंदी भ्रमर को गुंजार के लिए मुक्ति मिलती है। जो वो भंवरे होते हैं वो भी गूंजने लगते हैं जब लड़की आती है, तो पतझड़ में बहार आ जाती है, हरियाली आ जाती है। ठीक है, यानी कि जब बच्ची आती है तो घर गृहस्थी बहुत सुंदर हो जाती है, खुशी से सब कुछ भर जाता है। आगे है, सुधा धार यह से लेकर घट घट वासी यह मेरी। तो इसमें सुधा का मतलब होता है अमृत, नीरस का मतलब होता है शुष्क जिसमें कोई रस ना हो, काबा का मतलब होता है इस्लाम धर्म के लिए एक पूजा स्थल होता है काबा, और घट घट वासी यानी कि हर दिल में निवास करने वाला। तो संदर्भ आप वही चला सकते हो जो अभी तक पीछे चल रहा है, बाकी कुछ ऐड करना है तो ये भी कर सकते हो कि भाई वह पूजा पाठ मंदिर मस्जिद एवं घट घट व्यापी परमात्मा के समान है। ये जो बालिका है उसकी तुलना करिए मंदिर से, मस्जिद से और पूजा पाठ से। ठीक है, ये है इसकी व्याख्या, देख लेते हैं अब इसमें क्या है। तो जो कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं वो कहती हैं कि बालिका जो है वो रसहीन दिल के लिए अमृत धारा के समान है, यानी कि अगर किसी का दिल ऐसा हो, मान लो बोरिंग सा, कोई रस ही नहीं है उसमें, तो उसमें भी वो अमृत भर दे, ऐसी होती है लड़की, नीरस दिल को भी सरस बना दे। और तपस्या में लीन तपस्वी की मस्ती के समान वह मात्र हृदय की मस्ती है, यानी कि एक तपस्या करने वाला तपस्वी जिस मस्ती के साथ तपस्या करता है वैसी वही वही मस्ती उस लड़की में है। वह नेत्रहीन व्यक्ति की आंखों की ज्योति के समान है, जैसे एक आदमी का अगर कोई नेत्र ना हो या उनकी आंखें ना हो, तो जब उनको आंखों की ज्योति, आंखों की रोशनी मिलती है, जिस जो खुशी उन्हें होती है वही सच्ची खुशी जो है एक बच्ची को पाकर मिलती है। तो वह माँ के बीते हुए बालकपन को पुनः स्मरण कराने वाली है, यानी कि माँ भी तो कभी छोटी लड़की रही होगी, बच्ची रही होगी, तो जब माँ एक अपनी बच्ची को पालती है तो उसे भी अपना बचपन याद आ जाता है, अपने बीते जो अपने बीते हुए पास्ट हैं, जो बचपन में जो खेली थी उसकी माँ, ठीक है, जो बचपन में सब कुछ किया था वही सब कुछ, वो किलकारियां, वो मचलना, वो खेलना, वो कूदना, वो हंसना उसको अपनी बेटी में भी दिखाई देता है। और वह हस्ती भी नाटिका के समान है। यहाँ कहने का मतलब है कि वो जब हंसती है, मचलती है, किलकिलाती है, तो एक तरीके से जैसे एक नाटक करने वाली जो अभिनेत्री होती है वो भी ऐसे ही होती है। तो उसे पाकर माँ का बचपन भी एक तरीके से, माँ को अपना बचपन याद आ जाता है, भाई माँ भी कुछ ऐसा ही किया करती थी। और बालिका ये जो है माता के लिए, एक बच्ची जो होती है वो अपनी माँ के लिए मंदिर, मस्जिद, काबा, काशी, पूजा स्थल, तीर्थ स्थल सब कुछ है। भाई देखो, एक माँ के लिए उसका बच्चा ही सब कुछ होता है, वही उसका मंदिर, वही उसकी मस्जिद, वही काबा, वही काशी, वही पूजा स्थल, वही तीर्थ स्थल, वही पूजा पाठ है, वही ध्यान है, वही समाधि है, वही जप है, वही तप है, यानी कि बच्ची ही सब कुछ है। और घट घट में वास करने वाला ईश्वर भी वो बच्ची में ही माँ को दिखता है, पालन पोषण भी उस ईश्वर की ही पूजा है। आप बच्ची का पालन पोषण कर रहे हो तो समझ लो आप ईश्वर की पूजा कर रहे हो, ये इसमें बताया गया है। अब अगला काव्यांश देख लेते हैं, कृष्णचंद्र की माता का दिल है जिसका। अब इसमें क्या है कि भाई इसमें बताया जा रहा है कि मतलब संदर्भ कुछ ऐसा है जो आप पीछे के जो मैंने बताए हैं वो ही संदर्भ आप इसमें डाल दो, माता और एक जो बालिका के बीच की जो जो एक भाव होते हैं, जो दोनों का कनेक्शन होता है वो इसमें दिखाया जा रहा है। ठीक है, आप देखते हैं इसमें क्या है। तो इसकी व्याख्या कुछ ऐसे है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि जो बच्ची होती है उनकी क्रीड़ाओं के रूप में भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को अपने आंगन में देखा जा सकता है। जब जो छोटी बच्ची खेलती है अपने आंगन में तो ऐसा लगता है मानो साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीला कर रहे हों। जिस प्रकार कृष्ण की बाल क्रीड़ा माता यशोदा के मन को मुग्ध कर लेती थी, जैसे बचपन में श्री कृष्ण जब खेलते थे तो उनकी जो माता यशोदा है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती थी, उसी प्रकार जब बालिका की भी जब बचपन में जो क्रीड़ाएं होती हैं, जो वो खेलती हैं, तो उसकी माता भी खुश हो जाती है। तो इस बालिका में ईसा मसीह की क्षमाशीलता भी दिखती है, यही मतलब बालिका जो है वो ईसा मसीह का भी रूप है, यही बालिका के अंदर पैगंबर मोहम्मद साहब भी दिखते हैं, विश्वास की भावना भी दिखती है, और महात्मा बुद्ध भी इसी बालिका में दिखते हैं। यानी कि यहाँ पे सभी धर्मों को जोड़कर एक बालिका के रूप में दिखा दिया गया है कि जैसे कि एक महात्मा बुद्ध जो एक ध्यान में रहते हैं, करुण भावना में रहते हैं, जैसे पैगंबर मोहम्मद जी जैसे हैं, और जैसे जो है हमारे ईसा मसीह हैं, जैसे हमारे भगवान कृष्ण हैं, ये सारी चीजें हमें एक बालिका में देखने को मिलती हैं। बालिका के अंदर क्षमाशीलता भी होती है, बालिका में विश्वास भी होता है, विलप और बालिका में करुणा भी होती है, बालिका में चंचलता भी होती है। तो ये है,
कवित्री कहती है कि यदि कोई माँ से बालिका का परिचय जानना चाहे, कोई पूछे कि बालिका क्या होती है, तो वो उसका परिचय देने में अपने को असमर्थ समझती है। माँ कहती है कि मैं तो बता ही नहीं सकती भाई कि इसका परिचय दूं कैसे, अगर कोई मुझसे आके पूछ ले कि बालिका क्या होता है, मैं तो कहती हूँ मंदिर मस्जिद काबा काशी ईश्वर अल्लाह राम सब कुछ एक जो है बालिका में ही होता है। यानी कि माँ ही अपनी बच्ची को एकमात्र समझ सकती है, उसके गुणों को पहचान सकती है, एक माँ के अलावा कोई अपनी जो है दूसरी किसी की बच्ची को नहीं समझ सकता, एक माँ का दिल जो होता है वो ही अपनी बच्ची को समझ सकता है। और ये इस कविता का सारांश है। काव्य शिल्प अगर देख लें, अगर इसका विशेष तो ऐसा है कि बालिका के प्रति जो मम्मी जो होती है हमारी, जो माताएं होती हैं, वो जो उनकी दिल की भावनाएं होती हैं, वो सुंदर तरीके से अभिव्यक्त करी गई हैं। वात्सल्य रस यानी कि जो हमें वात्सल्य प्रेम और ये दया भावना देखने को मिल रही है माँ बेटी की, ये बहुत ही अच्छे से है। अलंकार जो है उपमा अनुप्रास बहुत अच्छे से यूज किए गए हैं। भाषा सरल है, प्रवाहमयी है। पारिवारिक जीवन में जो है बालिका का क्या महत्व होता है वो दिखाया जा रहा है बहुत अच्छे से। खड़ी बोली का भी इस्तेमाल किया गया है, बुंदेलखंडी भी बीच बीच में यहाँ पर भाव देखने को मिलता है, लोकोक्तियों का भी ये प्रयोग करती हैं। 5 से 6 पॉइंट आप ये विशेष में लिख सकते हैं और आपकी कविता इस तरीके से कंप्लीट होती है। तो अगर आपको अच्छी लगी हो कविता तो आप अपना फीडबैक दे देना कमेंट बॉक्स में जाके, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।